हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम भंडारे वाले हलवा स्टाइल छोले बनाएंगे। इसे पूरी के साथ सर्व किया जाता है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं भंडारे वाले हलवा स्टाइल छोले। एक कप छोले लिया है, इसे तीन बार अच्छे से पानी से धो लिया था और पानी में एक चौथाई टीस्पून कुकिंग सोडा डाल के ओवरनाइट इसे भिगो के रखा था। छोले को हमें 10 से 12 घंटे तक भिगो के रखना है। ये बेकिंग सोडा वाला पानी हम निकाल लेते हैं और दो बार इसे अच्छे से पानी से धो लेते हैं। छोले को दो बार पानी से धो लिया है ताकि कुकिंग सोडा हमने डाला था वो निकल जाए। अभी हम इसे कुकर में डाल देते हैं। एक टीस्पून नमक डालेंगे, ढाई कप पानी डालेंगे, एक टीस्पून तेल डालेंगे और इसे चला लेंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके तेज आंच पे एक सीटी तक कुक करेंगे। बाद में गैस की फ्लेम धीमी करके 15 से 20 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। खड़ा मसाला ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें मैंने लिया है एक चौथाई हिस्सा जावंत्री, दो छोटे टुकड़े दालचीनी, एक बड़ी इलायची, 5 लौंग, 3 हरी इलायची, 10 काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा और 2 छोटा तेज पत्ता लिया है। इसे हम रफली ग्राइंड कर लेते हैं। खड़ा मसाला ग्राइंड कर दिया है। इसमें ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची और थोड़ा तेज पत्ते का इस तरह से मोटा पीस रह जाता है वो मैंने निकाल दिया है। यही मिक्सर जार में 2 टीस्पून साबुत धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून सौंफ। इसे हम रफली क्रश करेंगे, बारीक पाउडर नहीं करना है। कुकर ठंडा हो गया है तो देख लेते हैं छोले कुक हो गए हैं कि नहीं। छोले एकदम अच्छे से कुक हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये आसानी से मैश हो रहा है। कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे। 1 पिंच नमक डाल के तेल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। धुआं निकले तब तक तेल को गर्म करना है। तेल में से धुआं निकलने लगा है, गैस ऑफ कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसे ठंडा कर लेते हैं। आधी टीस्पून जीरा डालेंगे। खड़ा मसाला हमने क्रश किया था ये पूरा 1 चम्मच भर के डालेंगे। साबुत धनिया और सौंफ को रफली कूट के लिया है ये डालेंगे। मसाले को धीमी आंच पे भूनना है, जलना नहीं चाहिए। 1 टेबलस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट, धीमी आंच पे 1.5 से 2 मिनट के लिए इसे भून लिया है। 2 टीस्पून बेसन डालेंगे, धीमी आंच पे लगातार चला के बेसन को अच्छे से भूनेंगे। आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून छोले मसाला, अच्छे से मिक्स कर देंगे। आधी टीस्पून सौंठ पाउडर, आधी टीस्पून धनिया पाउडर, 1 कप टमाटर की प्यूरी डालेंगे। टमाटर की प्यूरी हमने डाली वो एकदम गाढ़ी और लाल दिख रही है, आपने देखा सेम मार्केट जैसे दिख रही है लेकिन मैंने इसे घर में बनाया है। टमाटर की प्यूरी बनाने के लिए 5 से 6 मीडियम साइज का टमाटर ले लेना है और 1 टमाटर का 4 पीस करना है। ये जो व्हाइट हिस्सा आता है इसे हमें इस तरह से निकाल देना है। सभी टमाटर में से इस तरह से ये व्हाइट हिस्सा निकाल के कुकर में रखने वाला कंटेनर आता है डब्बा, उसके अंदर डाल के ढोकला जिस तरह से स्टीम करते हैं उसी तरह से टमाटर को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम कर दिया। फिर उसे छन्नी में डाल के इसका पानी निकाल लिया था, क्योंकि हम स्टीम करते हैं तो वो पानी अंदर जाता है तो वो पानी हमें निकाल देना है। और इसके बाद एकदम ठंडा हो जाए तभी इसे मिक्सर जार में डाल के प्यूरी बना लेना है। तो इस तरह से आप प्यूरी बनाएंगे तो एकदम गाढ़ी और लाल प्यूरी बनेगी। अगर आपको इस तरह से प्यूरी नहीं बनानी है तो आप उबलते हुए पानी में डाल के टमाटर को छिलका निकले तब तक इसे बॉईल कर ले, उसके बाद ठंडा करके प्यूरी भी बना सकते हैं। अगर आप कच्चा टमाटर की प्यूरी बना के डालेंगे तो इसे बहुत ज्यादा देर तक कुक करना है, अच्छे से कुक करके लेना है। तेल सेपरेट हो जाए तब तक इसे भून लिया है। 1 कप तेज गर्म पानी डालेंगे, अच्छे से चला लेंगे। आधा कप गरम पानी और डालेंगे, छोले बॉईल किया है ये डाल देंगे, पानी के साथ ही डालेंगे इसे, अच्छे से चला लेंगे। 3 बड़ी साइज का आलू लिया था जिसे उबाल के ठंडा करके इसका छिलका निकाल के इस तरह से छोटे छोटे पीस में इसे हाथ से ही तोड़ लिया है, ये आलू डाल देंगे। आलू डालने से छोले की ग्रेवी एकदम गाढ़ी बनेगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा।
एक टीस्पून कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके डालेंगे। एक टीस्पून नमक हमने छोले बॉईल किए तभी डाला था, अभी एक टीस्पून नमक डाल रही हूँ। अच्छे से चला लेंगे। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे 20 मिनट के लिए कुक करेंगे। छोले को 20 मिनट के लिए धीमी आंच पे कुक किया है, बीच बीच में इसे चला लिया था। आप देख सकते हैं आलू हमने डाले थे वो अंदर एकदम मैश हो गए हैं और छोले की ग्रेवी एकदम गाढ़ी बन गई है। 4 से 5 टेबलस्पून हरा धनिया डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। छोले ठंडा होगा तो और भी ग्रेवी एकदम गाढ़ी बन जाएगी, तो आप गर्म पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी ठीक कर सकते हैं। छोले में गर्म पानी डाल के इसे एक उबाल आए तब तक इसे उबाल लेना है। इसके ऊपर हम एक और तड़का लगाएंगे। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे, 1 टेबलस्पून बटर। आप सिर्फ घी में भी तड़का लगा सकते हैं। 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी का पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून हरा धनिया। हरा धनिया को धीमी आंच पे अच्छे से भून लेते हैं। धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए धनिया को भून लिया है, गैस ऑफ कर देंगे। ये तड़का हम छोले में डाल देते हैं। अच्छे से चला लेंगे। भंडारे वाले हलवा स्टाइल छोले रेडी है। इसे पूरी के साथ सर्व किया जाता है। भंडारे वाले हलवा स्टाइल छोले रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बने हैं, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।